हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय श्री महाकाल, जय शिव शक्ति। मैं हूँ डॉक्टर खुशी। वेलकम डिवाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरू करते 6 मार्च से लेके 12 मार्च तक वीकली होरोस्कोप। चलिए जानते हैं कि आपके लिए साप्ताहिक राशिफल कैसा रहने वाला है। टैरोट रीडिंग रहेगी। और अभी भी मेरे चैनल पे आप सभी न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड ये जनरल रीडिंग्स रहेगी। इस बार थोड़ी सी रीडिंग जो है कार्ड्स रिगार्डिंग एंड थोड़े कुछ जो है आपके मून राशि से रिलेटेड होंगे। तो चलिए जानते हैं कि आपके लिए मेष से लेके मीन राशि तक कैसा रहने वाला है। शुरू करते हैं अगली राशि की और जो है तुला राशि। तुला राशि वाले कहीं ना कहीं अपने काम को लेके जो है आगे बढ़ेंगे। कुछ बिग अमाउंट जो है थोड़े से खर्च कर सकते हैं। कहीं ना कहीं अपने घर की जिम्मेदारियों को जो है तीसरी पूरा करते हुए नजर आते दिखाई दे रहे। पारिवारिक जीवन में जो है कुछ टाइम के लिए जो है बहुत ज्यादा टाइम निकाल सकते हैं। कहीं बाहर जाने की मूवमेंट जो है दिस वीक मुझे ज्यादा दिखाई देती दे रही है। कहीं बड़े बुजुर्ग का दिस वीक जो है आप कहना मानेंगे। कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो है आपकी कम्युनिकेशन जो है आपके पारिवारिक जीवन में हो सकती है। कुछ बिग डिसीजन जरूर होगी। अगर घर पे शादी की बात चल रही है तो शादी के लिए जो है डेफिनेटली यस करके कार्ड दिख रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप जिस पार्टनर को जानना चाहते हैं, जो आपके लाइफ में पार्टनर आना चाहिए, वो ही पार्टनर जो आपको मिल जाएगा। आपके ड्रीम्स कंप्लीट होते हुए मुझे दिखाई देते दे रहे हैं। बात की जाए आपके लिए एंजल्स मैसेज की, जो भी आप चाहते हैं वो आपकी चीजें जो है आपको मिल सकती है। आपके लिए लकी नंबर है 4, लकी कलर है ऑरेंज। शुरू करते हैं अगली राशि की ओर जो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले कहीं ना कहीं थोड़े से अपने काम को लेके आगे बढ़ाने के बारे में सोचते हुए दिखाई देते दे रहे। कहीं ना कहीं अगर आप पार्टनरशिप करते हो तो दिस वीक के लिए जो है पार्टनरशिप ना करें। कुछ प्रॉपर्टी को लेके जो है बिग डिसीजन ले सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको जो थोड़ी सी स्पिरिचुअल जर्नी या फिर कुछ स्पिरिचुअलिटी का थोड़ा सा आध्यात्मिक का ज्ञान लेना जो आपको पसंद आ सकता है। कुछ चीजों को लेके कॉम्प्रोमाइज जरूर करेंगे। पैसे को लेके थोड़ी सी जो है परेशानी दिस वीक में रह सकती है। बाकी अदरवाइज जो है आप अपना काम को लेके जो है आगे अच्छे तरीके से बढ़ेंगे। आपका कहीं ना कहीं मान सम्मान जरूर रहेगा। सक्सेस की तरफ जो है आपकी एनर्जी दिखाई देती दे रही। कुछ काम जो आपकी तरफ ऐसे आते हुए दिखाई देते दे रहे हैं जिसकी वजह से आपका काम करने का मन नहीं होगा। मतलब जो काम आ रहा है वो करने का मन भी नहीं हो सकता है। आपके लिए एंजल्स मैसेज है कि आपके पास जो भी इन्फॉर्मेशन आती है, फिर जो भी स्पिरिचुअलिटी से आप थोड़े से कनेक्टेड होकर आपको जो भी चीजें समझ में आती है वो चीजों को लेके फॉलो कीजिएगा। आपके लिए लकी नंबर है 1 और लकी कलर है ऑरेंज। शुरू करते हैं अगली राशि की ओर जो है धनु राशि। धनु राशि वाले कहीं ना कहीं कुछ चीजों को लेके जो है मूव ऑन करते हुए दिखाई देते दे रहे। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो रिलेशनशिप की तरफ से जो है मुझे थोड़े से वहां से जो है थोड़े से दूर होते हुए दिखाई देते दे रहे। कहीं ना कहीं दिस वीक जो है लव कम्युनिकेशन में थोड़े से जो है आप कहीं ना कहीं चोट खा सकते हैं या फिर कहीं ना कहीं आपको बहुत थोड़े इशू की वजह से आप वहां से दूर हो जाएंगे। ऐसे हो जाएगा कि कहीं आप जो बोलते ना कि आपकी जर्नी कुछ और है और आपकी चीज में जो है बिन फुजूल जो है थोड़े से बोलते ना कि उलझ चुके हैं। कि जैसे कि कह सकते हैं रिलेशनशिप में लव कम्युनिकेशन में कुछ जहाँ पे जो है बातें समझाने के बाद भी सामने वाली पर्सनालिटी को नहीं समझ में दिखाई देती दे रही। और वो चीज जो है कहीं ना कहीं आपकी तरफ ऐसे हो जाते कि आप उन चीजों की वजह से कहीं ना कहीं लॉसेज जो है झेल चुके होंगे या फिर मिलेगी भी। तो उन चीजों से हटके जो है कहीं ना कहीं आप जो है थोड़ा सा डिसीजन लेते हुए दिखाई दे। कहीं ना कहीं वहां से हटके अपने काम को लेके जो है आगे बढ़ेंगे। दिस वीक काम की तरफ आपकी एनर्जी ज्यादा दिखाई देती दे रही। तो अगर काम की तरफ ध्यान रखते हैं तो काफी ज्यादा जो है दिस वीक काफी अच्छा रहेगा। थोड़ी सी चीजें हर्ट होगी पर उस चीजों से हर्ट होके जो है आप वहां से निकल जाएंगे। इस वीक के लिए जो है आपके लिए एंजल्स मैसेज है कि कहीं ना कहीं अगर कुछ बिग डिसीजन लेते हो तो ना लीजिएगा। आपके लिए लकी नंबर है 2 और लकी कलर है व्हाइट। शुरू करते हैं अगली राशि की ओर जो है मकर राशि। मकर राशि वाले दिस वीक कहीं ना कहीं अपने काम को लेके जो है थोड़े से सीरियसनेस पे होके काम करते हुए दिखाई देते दे रहे। कहीं ना कहीं अपने काम करने का तरीका थोड़ा सा जो है आप बदल के जो है अपने काम की तरफ अच्छे से तरीके से आपका काम तरीके से आगे बढ़ जाएंगे। कहीं बाहर जाने की बात हो सकती है या फिर फॉरेन ट्रिप के बारे में बात हो सकती है। कहीं प्लेस चेंजमेंट होते हुए दिखाई देते रहे। कहीं ना कहीं आपकी ड्रीम जो है कंप्लीट होते हुए मुझे दिस वीक दिखाई देते दे रहे। कुछ गोल को लेके जो है आगे बढ़ सकते हैं। फाइनेंशियल कंडीशन काफी ज्यादा जो है दिस वीक मुझे काफी ज्यादा स्ट्रांग नजर आती दिखाई देती दे रही है। कहीं अगर बात की जाए पुराने दोस्त जो है आप उनसे मिल सकते हैं। पुराने दोस्तों से मुलाकात जो है दिस वीक रहेगी पर थोड़े से सोच समझ के आगे बात कीजिएगा। कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक दूसरे में जो है थोड़ी सी नोक झोंक भी हो सकती है। रिलेशनशिप की बात की जाए तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में नया पार्टनर आ सकता है। एंड आपकी जर्नी कहीं ना कहीं जो है अपने पार्टनर के साथ घूमती हुई दिखाई देती ज्यादा दिखाई देती दे रही है। तो दिस वीक थोड़ा सा जो है आपके लिए ऐसा रहेगा कि कहीं पार्टनर के साथ टाइम एक्सपेंड कर सकते हैं। आपके लिए जो है
दिस वीक कहीं ना कहीं आपको एंजल्स मैसेज जो है आपके लिए कह रहे कि आपको बहुत सारे सवालों के जवाब जो है दिस वीक आपको मिल जाएंगे। आपके लिए लकी नंबर है 9 और लकी कलर है ब्राउन। शुरू करते हैं अगली राशि की ओर जो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले कहीं ना कहीं अपने कुछ चीजों को लेके थोड़े से परेशान जरूर रहेंगे, पर कहीं ना कहीं अपने काम को लेके भी जो है आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी कहीं ना कहीं काम के लिए अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा आएंगी। कहीं ना कहीं आप काम करते हुए वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने आप को लेके कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए आपकी तीसरी की एनर्जी जो है काफी ज्यादा रहेगी। कहीं अगर आप सोशल मीडिया से काम करते हैं तो काफी ज्यादा तेजी में जो है आप काम कर सकते हैं। आपके लिए कहीं कोर्ट कचहरी की बात चल रही है तो वो भी जो है दिस वीक के लिए जो है काफी ज्यादा जो इनसे राहत मिल सकती है। रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आपके लाइफ में जो है नया पार्टनर आते हुए दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आप रिलेशनशिप की इसमें अगर है तो आपके लिए कहीं ना कहीं आपके घर परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए भी नजर आते दिखाई दे रहे हैं। इमोशनल लेवल पे काफी ज्यादा बैलेंस रहेंगे, एक दूसरे को लेके समझेंगे, कहीं ना कहीं काम को लेके भी आगे बढ़ेंगे। कुछ सिचुएशन को लेके थोड़े से नेगेटिविटी रह सकती है, पर ज्यादा नहीं, ज्यादा टाइम के लिए नहीं बोल सकते, वो थोड़े टाइम के लिए जो थोड़ी सी नेगेटिविटी रहेगी, पर ज्यादा जो है मुझे नेगेटिविटी नहीं दिखाई देती दे रही। कुछ सोच समझ के ही काम करेंगे। दिस वीक के लिए जो आपके लिए अबंडेंस का कार्ड है तो कहीं ना कहीं आप जो है दिस वीक आपके लिए प्रॉफिट का टाइम जो है दिखाई दे रहा है। आपके लिए लकी नंबर है 6 और लकी कलर है ग्रीन। शुरू करते हैं अगली राशि की ओर जो है मीन राशि। मीन राशि वाले कहीं ना कहीं अपने काम को लेके आगे जरूर बढ़ेंगे, पर कुछ चीजों को लिए थोड़ा सा जो है आपके हेल्थ इश्यूज जो है मुझे दिस वीक ज्यादा नजर आती दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं काम में मन जरूर रहेगा, पर कहीं ज्यादा जो है आप ज्यादा करके इमोशन लेवल पे मुझे काफी ज्यादा जो है डाउन रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को लेकर काफी ज्यादा जो है सीरियस हो सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको घर से जो है गुड न्यूज जरूर मिलेंगी। कहीं आप बाहर जो है पार्टी या फिर गेट टुगेदर में जाते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं फैमिली फंक्शन में जाना जो है तीस वीक ज्यादा रहेगा, पर कहीं ना कहीं बाहर की चीजें ना खाए जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ इश्यू भी जो है दिखाई देती दे रही है। कोई मान सम्मान जो है आपका ज्यादा होगा। कहीं ना कहीं आपके लिए सक्सेस का कार्ड भी दिखाई देते दे रहे हैं, पर कुछ इशू के लिए जो है मुझे ज्यादा लॉन्ग टर्म होके भी जो है कुछ चीजों आपके लिए हर्ट होती हुई या फिर कहीं जो है आपकी हेल्थ इश्यू जो है ज्यादा बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है, इसका जो है आपने ध्यान रखना है। एंड किसी के बातों के ऊपर जो है अपने आप पे रिएक्ट नहीं होने देना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी हर्ट वाली फीलिंग जो है दिखाई देती दे रही है। अपने ऊपर जैसे कि एंजल्स मैसेज भी कह रहा है कि अपने ऊपर जो है आपने भरोसा करना जरूरी रहेगा। आपके लिए लकी नंबर है 3 और लकी कलर है पिंक। प्लीज कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं कि दिस वीक आपका कैसा रहा और आपको मेरी रीडिंग कैसी लगती है। एंड मैं ऐसे ही आपसे मिलती रहूंगी। एंड डेली जो है अभी लाइव सेशन रहेगा शाम के समय, डेली जो पोस्ट जो है अपलोड हो जाएंगे फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे एंड यूट्यूब चैनल पे भी। आप जो है लिंक के ऊपर जो शेयर की हुई डिटेल जो है आप देख सकते हैं। अगर आपको रीडिंग करनी है तो पर्सनल अपॉइंटमेंट पे बुक कर सकते हैं। टैरो कार्ड रीडिंग सीखना है तो आप अपने पर्सनल अपॉइंटमेंट पे बुक कर सकते हैं। मैं कभी कॉल ना उठा तो आप प्लीज व्हाट्सअप मैसेज जो है कर सकते हैं। व्हाट्सअप मैसेज जो है मैं देखती हूँ, आप पूरी डिटेल्स लिख के जो है आप मुझे बता सकते हैं। अगर ज्यादा करके अगर आपके लाइफ में बहुत ज्यादा परेशानी है, प्रॉब्लम्स है, तो आप हीलिंग सेक्शन भी बुक करा सकते हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स रहेगी ये सारी चीजों के लिए जो है आपके रिलीफ करने के लिए जो है सारे ट्रीटमेंट जो है यहाँ पे होते हैं, तो आप अपने ट्रीटमेंट करा सकते हैं। मैं ऐसे ही आपसे मिलती रहूंगी और नेक्स्ट एपिसोड में हम मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।